यस, तो आज मैं और कैथरीन इंग्लैंड से भारत घूमने आई है, और हमने साथ में कुछ जयपुर के मॉन्यूमेंट्स को घूमा देखा। आप बताओ। मुझे मुझे ये झील पसंद था। जल महल, नहीं जल महल, झील झील कौन सा? वेर अपन जो ऊंट की सवारी की, ऊंट की सवारी की तो उसके ये जैसा। जगह अच्छा हाँ, तो था। और वो उसके सामने जो है वो उसको जल महल बोलते हैं। जल 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 इज महल। वाटर, ओ महल इज पैलेस, वाटर का पैलेस जल जल महल। जल महल ये मुझे ना अच्छा लगा। अच्छा लगा। और ये इसके बाद कहाँ गए? इसके बाद अपन जंतर मंतर, जंतर मंतर बहुत दिलचस्प दिलचस्प जगह थी। ये बहुत दिलचस्प जगह। और मैं किताब करी किताब करी थी हिंदी में। हिंदी में। और ये वो बहुत समतल समतल किताब बहुत बहुत ओ ये किताब बहुत समतल है, क्योंकि मेरे पास बहुत चीजें हैं। बहुत चीजें मेरे हैं, सामान मेरे रखने के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए ऐसी चीजें खरीद रही है जो समतल हो। समतल या तो बहुत समतल चीजें हैं। और ये जगह दिलचस्प उसके बाद अपन गए अल्बर्ट हॉल। ना इसके बाद हम अल्बर्ट हॉल गए। नो खाने गए। हाँ, फूड कोर्ट, फूड कोर्ट। या फूड कोर्ट गए ओके। खाने सो गए मसाला चौक, या वहाँ का खाना मसाला कैसा? चौक। हाँ मसाला चौक अच्छा था। अच्छा और था। बहुत आपने क्या खाया? साफ था। आपने क्या खाया? मैंने मसाला डोसा मैंने खाया मैंने क्या खाई। खाया और आपको नहीं खाया, आपने भी खाया? खाया ओह या मैंने ओके मैंने हाँ। मसाला डोसा खाया। और आपने उसे कॉल्ड राज करोसी ना कचोरी कचोरी हाँ, राज कचोरी खाया। और चाइनी पीना चाइनी पी मैंने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम और आपने मैं कॉफी पी। कॉफी पी यस। या और इसके बाद अल्बर्ट हॉल गए। उसके बाद अल्बर्ट हॉल आए। या ये उसके बाद एयरटेल का इसके बाद एयरटेल की दुकान में, दुकान नहीं ऑफिस, एयरटेल के ऑफिस में गए, ये सिम लिया। कितने समय समय लगा हार्डली इसमें? 15 से 20 मिनट। 15 मिनट 20 मिनट। और अभी मेरे पास अनलिमिटेड डेटा है तो वो भी 5G। या 5G+ है यस। और अनलिमिटेड है तो मैं पंचायत देख सकती हूँ। और क्या बात? तो दर्शकों के लिए क्या बोलोगे, व्यूअर्स के लिए क्या बोलोगे कि मेरी हिंदी पे कमेंट करना और मुझे बताना कि मेरी हिंदी कैसी है। ओ तो राजेश आपको मेरी हिंदी कैसी लगी? मेरे को तो 3 साल से आपकी हिंदी अच्छी लग रही है। अपने चैनल के दर्शकों, जो अपना चैनल है उसके दर्शकों को हिंदी कैसी लगी कैथरीन की? प्लीज तो, आप कमेंट करके जरूर बताना कि इनकी हिंदी कैसी है। मुझे कमेंट दीजिए। और तो इसके बाद कहाँ का प्लान है आपका? लद्दाख। सो इसके बाद मैं दिल्ली को जाऊंगी और मेरे दोस्तों के साथ दोस्तों से मिलूंगी। और हम साथ में ले जाएंगे तो परसों हम ले पहुंचूंगी। और
वहाँ से दो हफ्ते के लिए साइकिल की सवारी चलेंगे. मोटरसाइकिल की सवारी. कितने हैं, कितने मेंबर्स हो? तो मेरे दोस्तों चार हैं. लेकिन उस ग्रुप में, उस हमारे ग्रुप में लेकिन पूरा ग्रुप सात विदेशी हैं या हिंदुस्तानी गाइड्स भी है. और गाड़ी कार में हमारे सामान साथ में चलेगा. तो डियर व्यूअर्स, कैथरीन की हिंदी के बारे में कमेंट करके मुझे भी बताना कि इसने हिंदी पे कितनी पकड़ बनाई है, और इससे कैथरीन को भी अच्छा लगेगा. क्योंकि मैं जब भी इसको बोलता हूँ कि आपकी हिंदी ठीक है, आप इंडिया में कहीं भी विजिट कर सकते हो, तो इसको थोड़ा कम विश्वास होता है. क्योंकि इसको पता है कि मैं तो इसको लगातार सिखा रहा हूँ, तो ऐसे भी बोल सकता हूँ. लेकिन जब आपका फेयर कमेंट आएगा तो इसको और ज्यादा इनकरेज करेगा हिंदी सीखने के लिए, है ना? और ज्यादा सुधार करेंगे. करूंगी. लेकिन विश्वास नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी लोग मुझसे नहीं हिंदी में बात करते और वो इसलिए नहीं करते ना, नहीं चाहते. हाँ, नहीं, उनको ये पता है कि भाई ये तो फॉरेन कंट्री से आई है, इंग्लिश ही बोलेगी. इसलिए वो ट्राई इंग्लिश में करते हैं आपसे. लेकिन एक दो जगह आपने हिंदी में बात की लोगों से. हाँ. तो उन्होंने बात की ना आपसे. इसके बाद वे लोग मेरे साथ हिंदी में बातचीत करते हैं. अच्छा, तो ठीक है. आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना. उस गाड़ी का लाइक. थैंक यू.